हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सर्विस राजपूत एक बार फिर से आ गया आपके साथ एक नई जानकारी शेयर करने के लिए। और आज मैं आप मेरा कैक्टस सीड मैंने मंगाए हुए थे, वो कैक्टस सीड्स आ गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसे जर्मिनेट करने का तरीका आपके साथ भी शेयर कर दूँ। मैं काफ़ी बारीक से कैक्टस सीड्स हैं, आज इन्हीं को मैं जर्मिनेट करने मतलब लगाने का तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सॉइल मीडिया के लिए हमें यूज करना होगा सैंड। सैंड आपकी साफ़ होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी ना होना नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा पुरानी सैंड में काफ़ी ज़्यादा बग्स के एग्स होते हैं। इसके बाद हम सैंड को अच्छे से साफ पानी में धुल लेंगे और धुल तब तक इसको धुलते रहेंगे जब तक इसमें डाला गया पानी जो है अब कलर चेंज करना बंद ना कर दे। आप पानी डालते रहें, धुलते रहें, फिर नया पानी डालें, फिर धुलें और तब तक डालें जब तक कि उसमें डाला गया पानी अपना कलर चेंज करना बंद ना कर दे। फिर हम सैंड का पानी निकाल करके उसे किसी साफ़ सरफेस पे डायरेक्ट सनलाइट में अच्छे से सुखा लेंगे, सूखने के लिए रख देंगे। जितना भी पानी है उसमें वो पानी उड़ जाए उसमें। जब एक बार ये सैंड आपकी अच्छे से सूख जाए तो इसे कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में, या फिर अगर आपके पास ओवन नहीं है तो प्रेशर कुकर में इसे अच्छे से एक बार गर्म कर लेंगे काफ़ी हाई टेम्परेचर पर, जिससे इसके अंदर अगर कोई बग्स मौजूद के एग्स मौजूद हों या फिर किसी अदर प्लांट के सीड्स अवेलेबल हों तो वो ख़त्म हो जाए। इसे अगर आपके पास ओवन है तो, या फिर ओवन नहीं है तो आपके कोई पास प्रेशर कुकर है उसमें डाल के अच्छे से गर्म कर लें। सैंड को ओवन से निकालने के बाद उसे नॉर्मल टेम्परेचर तक आने तक हमें उसे ठंडा करने देना होगा। उसके बाद उसमें हम कोकोपीट मिक्स करेंगे। कोकोपीट के साथ ही साथ अगर आपके पास वर्मी क्यूलाइट और पैरालाइट अवेलेबल हो तो आप उसे भी मिक्स कर दें, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद हम एक पॉट लेंगे जिस पॉट में आपको लगाना है। मेरे पास एक प्लास्टिक का बैग था, ये पॉट था मतलब कि ये डिब्बा था, इसमें मैंने नीचे ड्रेनेज होल बना करके इसको मैं एज अ पॉट यूज़ करने वाला हूँ। इसमें मिक्स अपने मिक्सर को ले, मिक्सर जो अपने सॉइल मिक्स तैयार किया हुआ है इसको हम अच्छे से फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद इसकी अच्छी सी बेडिंग तैयार कर देंगे। बेडिंग तैयार करने के बाद मिक्सचर को अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे और मॉइस्ट करने के लिए मैं आरओ वाटर यूज करता हूँ, स्पेशली कैक्टी एंड एडेनियम के सीडलिंग में। इसको अच्छे से स्प्रे करके मॉइस्ट करेंगे तो ड्रेनेज होल से पानी बाहर ना निकलने लगे। पानी बाहर आ गया। अब हम एक टूथपिक लेंगे, मेरे पास टूथपिक नहीं थी इसमें, मैं ये माचिस की जो होती है स्टिक होती है, मैच स्टिक होती है, मैं एक मैच स्टिक ले लिए और ये मेरे सीड्स हैं और ये मैंने थोड़ा सा पानी ले रखा है और वाटर, इसको स्टिक को इसमें डिप करेंगे और इसके बाद एक एक सीड्स को इससे उठाते जाएंगे और रखते जाएंगे। सारे सीड्स लगा दिए हैं, अब इसके ऊपर मुझे एक पतली सी सैंड की लेयर बिछानी होगी। मैंने कुछ सीड्स बचा भी लिए हैं नेक्स्ट टाइम सीडलिंग करने के लिए। इसकी पतली सी लेयर हम इसके ऊपर बिछा लेंगे और इसके बाद जब एक बार पतली सी लेयर बिछ जाए इसके ऊपर, उसके सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है कि ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन करने के लिए। आपने मेरा एडेनियम या फिर पोर्चोलेका का सीडलिंग वीडियो देखा ही होगा, उसमें मैंने ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन करने के लिए एक प्लास्टिक की का बैग यूज किया हुआ था, उसी तरह मैं इसमें एक प्लास्टिक का बॉक्स यूज करने वाला हूँ। इस मेथड को बैगी मेथड बोलते हैं और इसमें मुझे रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिलता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस आप सीडलिंग लगा दीजिए और फिर भूल जाइए उसे। आप इसको एक बड़े बॉक्स में मैं पैक करने वाला हूँ क्योंकि ये जो मेरा डिब्बा था मतलब कि जिसको मैंने ऐसा पॉट यूज किया हुआ है तो काफ़ी छोटा है, इसलिए मैं इसको पॉली बैग में ना पैक करके एक बड़े बॉक्स में ही पैक कर दे रहा हूँ। आपको ये ध्यान इतना रखना होगा कि आपका बॉक्स जो है या फिर जो आप पॉली बैग यूज करें वो ट्रांसपेरेंट हो, उसके अंदर सनलाइट डायरेक्ट इंटर कर सके। आपको 2 से 3 घंटे मॉर्निंग सनलाइट से देनी होगी और बॉक्स आपको तब हटाना होगा जब आपको लगेगा आपका प्लांट निकल आया है और अच्छे से सेट हो गया है, अब वो बाहर के टेम्परेचर में बाहर के एनवायरनमेंट में अच्छे से रह लेगा, तभी आप बॉक्स को चेंज करेंगे। आप सीडलिंग के कुछ घंटे के बाद से ही आप ये फील करेंगे कि इसके ऊपर एक लेयर बन चुकी है पानी की और मतलब कि इसके ऊपर एक भाप की लेयर बन रही है, अंदर आप देख सकते हैं
काफ़ी अच्छे से लेयर इसमें बन गई है, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है। अगर ये लेयर मतलब कि ये अंदर ये भाप बनना, इसके लिए काफ़ी अच्छा साइन है कि आपकी सीलिंग जो आपने मीटर यूज किया वो काम कर रही है, भाप बनना चाहिए। और इसीलिए मैंने जो ये बॉक्स यूज़ किया हुआ है, इसमें ढक्कन मैंने नीचे की तरफ लिया हुआ है और बॉक्स को मैंने ऊपर की तरफ लिया हुआ है, क्योंकि जो भाप भागता है वो ऊपर की तरफ भागता है, तो अगर ढक्कन में ऊपर की तरफ होता तो हो सकता है कि साइड साइड से अगर कहीं से एयर लीक होता तो वहाँ से वो निकल जाता, लेकिन चूँकि मैंने बॉक्स को ऊपर कर दिया तो यहाँ से कहीं भी भाप बाहर नहीं निकल पाएगा, जो भी भाप बनेगा इसी के अंदर रहेगा, इसलिए मैंने ढक्कन को नीचे कर दिया है और बॉक्स को ऊपर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ, लेके आऊँगा भी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।